नमस्कार दोस्तों, लाइफ का ये शायद सबसे कठिन समय है सब लोगों के लिए, खास करके ये जब 40-45 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन में, तो सबके वहाँ खास करके पैसों की बहुत कमी हो चुकी है और दिन ब दिन ये कोरोना का केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। काफी लोग ऐसे जिसके पैसे बैंक में पड़े हैं लेकिन बैंक तक पहुंचना आज बहुत ही मुश्किल हो गया है। या तो धूप है या फिर लॉकडाउन है या पुलिस है या कोई वृद्ध है, कोई अपंग है, कोई अपाहिज है। तो इंडियन पोस्ट ने एक बहुत ही अच्छी सेवा शुरू की है स्पेशल लॉकडाउन के टाइम में। ये सेवा के बारे में आपको और मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी लोगों को इस सेवा के बारे में बताना। क्या आपको मालूम है कि आप अपने बैंक के पैसे बिना बैंक जाए घर पे मंगवा सकते हैं? इंडिया पोस्ट ने ये सेवा शुरू की है, तो इस बारे में पूरा जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो सबको भेजिएगा ताकि किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े पैसे लेने जाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, हमारे देश में लाखों गांव ऐसे हैं जहाँ पे बैंक ही नहीं है, उन लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए गांव से लेके शहर तक आना पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि ये कंडीशन में गांव से शहर तक आना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही में आप अपना ही सोचिए, अगर आपको पैसे चाहिए और आपको आज ही बैंक जाना पड़े तो बहुत ही मुश्किल है। तो पोस्ट ऑफिस ने एक बहुत ही अच्छी सेवा शुरू की है जिसका नाम है AEPS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, IPPB के द्वारा ये शुरू की गई हुई सिस्टम है। इसमें करना क्या है, आपको आपके नजदीकी कोई भी पोस्टमैन है जिसको आप जानते हैं, उसका नंबर लीजिए, उसको कॉल कीजिए और उसको बोलिए कि आपको जितने भी पैसे चाहिए, मीन्स 2,000, 4,000, 5,000 चाहिए अपने बैंक से, वो आके दे जाए। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमैन को ऐसा कहना है। और फिर क्या होगा कि पोस्टमैन आपके घर पे आएगा और साथ ही में एक आपको आधार लिंक नंबर जो है बैंक अकाउंट का, उसमें से ये पैसे निकलेंगे, वो खास ख्याल रखिएगा। फिर आपको एक अपना आधार कार्ड देना है और आधार कार्ड देने के बाद उसके पास पोस्टमैन के पास एक थंब मशीन होगा, उसमें आपका थंब लगाना है और थंब लगाने के बाद आपने जो पैसे उसे बोले थे कि मुझे 5,000 चाहिए, वो 5,000 रुपये आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और सही भी है। आपके घर पे आके पोस्टमैन ऐसे पैसे दे जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपने किसी भी नजदीकी पोस्टमैन का कांटेक्ट कीजिए, पोस्ट ऑफिस का कांटेक्ट कीजिए और इस धूप में, इस लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो घर पे ही आप ये सेवा ले सकते, पैसे मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास आपके नजदीकी पोस्टमैन के नंबर नहीं है, पोस्ट ऑफिस के नंबर नहीं है, तो जरा भी टेंशन मत लीजिए, आप ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पूरी प्रोसेस करनी है। अपने मोबाइल से ही आप पैसे मंगवा सकते हैं इस सिस्टम के जरिए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिन लगेगा, यानी कि आज रिक्वेस्ट डालेंगे तो कल आपके पैसे आएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले indiapost.gov.in गूगल में डालिए और पोस्ट ऑफिस के एक साइट खुलेगी जिसमें COVID-19 का एक अलर्ट मैसेज होगा, जिसमें तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए। वो थोड़ी देर में चला जाएगा लेकिन घबराइए मत, जैसे ही नीचे जाएंगे वो सेम मैसेज होगा, उसमें तीसरे नंबर का जो है उस पर आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म में वही कॉमन डिटेल है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जैसे नेम, सबसे पहले नेम, फिर एड्रेस, एड्रेस डाल दीजिए अपना, एड्रेस के बाद पिन कोड, जो भी अपने गांव का पिन कोड होगा, फिर मोबाइल नंबर और फिर जो नीचे सर्विस है, उसमें काफ़ी सर्विसेज है लेकिन फाइनेंशियल सर्विस में टिक कर दीजिए आप। वैसे काफ़ी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है COVID-19 के लॉकडाउन के दरमियान, उसको टिक करने के बाद, हाँ माफ़ कीजिएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस डालना रह गया, तो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं।
और फिर आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर देनी है, नीचे होगा रिक्वेस्ट ओटीपी, तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगी। उससे पहले आपको एक और चीज़ करनी है कि सर्विस में कैटेगरी में आपको आधार एनेबल पेमेंट को चूज़ करना है, फिर ओटीपी के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप डाल दीजिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, और कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही करना है, तो आप देखेंगे कि नीचे आपकी रिक्वेस्ट कंफर्म हो गई, उसका नंबर भी आ गया कि इतने नंबर की रिक्वेस्ट है जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, उसका एक मेल भी आ जाएगा। जैसे देखिए मेल आ गया है, उसको ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल है और इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें शायद एक दिन लग सकता है आपको पैसे पहुंचने में, लेकिन बहुत ही अच्छी सर्विस है पोस्ट ऑफिस की ये। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया सेवा है वो ये है कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान कि वो घर पे आके आपके बैंक अकाउंट के जो पैसे होते हैं वो घर पे आके दे जाते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे सर आए हैं और उसके साथ पोस्टमैन भी आए हैं, दोनों हमारे पास यहाँ पे आए हैं क्योंकि मैंने कल एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली थी ये देखने के लिए कि सर्विस शुरू है कि नहीं शुरू है। तो देख रहे हैं आपके पूरा ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम होता है और आधार कार्ड और उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, उससे वो कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल गाँव में जो बुजुर्ग होते हैं, जो कोई अपाहिज होते हैं या वैसे लोग हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को बहुत फॉरवर्ड कीजिएगा। सर बता रहे हैं कि अभी तक पूरे आजू बाजू तालुका में कई ऐसे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, तो कितना लोगों ने अंदाजे तमें अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि रोज 8-10 हज़ार का ट्रांजेक्शन होता है, तो इस धूप में, इस लॉकडाउन में, कोरोना के बीच घर से क्यों निकलना, इस सिस्टम का यूज कीजिए और सबको बताइए, पूरे जिसको भी आपको मिले उसको ये बताइए। धन्यवाद। साथ ही में आपको एक बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि आपके पैसे उसी अकाउंट से विड्रॉ होंगे जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा, ये ख्याल रखिएगा। और एक महीने में आप 4 ट्रांजेक्शन ऐसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 40,000 रुपए एक महीने में निकाल सकते हैं। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो वृद्ध है, जो अपंग है, जो गांव में रहते हैं, जो जिसको बैंक तक आना ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में इम्पॉसिबल है, लेकिन पैसों के बिना तो लाइफ चल नहीं सकती, तो उसके घर तक पैसे पहुंचाने का ये बहुत ही बड़ा एक काम पोस्ट ऑफिस ने शुरू किया है। इस बात के लिए पोस्ट ऑफिस को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेवा का जो काम है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे आपको भी पता नहीं था। तो मैं सिर्फ आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को पूरा सबको भेज दीजिए, क्या पता किसको पैसों की जरूरत हो ये वीडियो काम आ जाए, और क्या पता किसकी दुआ हमें लग जाए। हमारा काम अभी ये लॉकडाउन में इतना ही है कि जो गवर्नमेंट की ओर से सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हेल्प मिलती है, लेकिन आप तक उसकी खबर नहीं पहुंचती क्योंकि न्यूज चैनल या कोई और पैम्पलेट या न्यूज पेपर ये सब जानकारियां नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइन ही देते हैं। तो ये सही और सच्ची और आपको हेल्पफुल हो वो जानकारी हम आपको देते हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज 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 इस वीडियो को सब में फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि घर बैठे आपको पैसे मिल जाए। तो दोस्तों प्लीज फिर से कह रहा हूँ कि इसको पूरा शेयर कीजिए, हर एक लोगों तक पहुंचाइए, उसकी मुश्किल दूर कीजिए, थोड़े उसके इस बहुत ही कठिन टाइम में थोड़े उसको हेल्पफुल बनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।